इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर राजस्थान, श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन, सोनू कुमारी, सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में, श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधु प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की, प्रसंग चल रहा है अपना कि हम अपनी एनर्जी, अपना सोच, अपना समय उन चीजों पर विचार न करें जो हमारे जीवन में संभव ही नहीं है। ऐसी ऊंचाइयों को पाने का ख्वाब न करें जिस ऊंचाई तक हम पहुंच ही नहीं सकते। हम उतनी वस्तुओं को प्राप्त करने का भाव न करें जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, हमारे जीवन में ऐसी यदि समस्याएं आ गई हैं, आती हैं, आती रहती हैं, जिन समस्याओं का समाधान ही नहीं है, उन समस्याओं को सहन करने की शक्ति अर्जित करो। रोने से काम नहीं चलेगा, मरने से भी काम नहीं चलेगा, भागने से भी काम नहीं चलेगा। समस्याएं कुत्ते के समान होते हैं, तुम भागोगे वो और काटेंगे, उनका सामना करो। उनको हटाने की बात नहीं कह रहा हूं। अभी दो दिन से अपन उस 10% पे बात कर रहा हूं जो हमारी जिंदगी में 10% ऐसी परेशानी है जो हमारे भाग्य ने हमारे में लिखी ही नहीं। और हमने कल कहा था, भाग्य के भरोसे मत बैठना, भाग्य के पास 10 नंबर हैं, किस्मत के पास 10 नंबर हैं,
ज्यादा नंबर नहीं है। मेरे भाग में क्या लिखा है, मेरी भाग कैसा है, कुछ मत सोचो, 10 नंबर का है। प्रयास करो वो भाग्य तुम्हारा साथ दे दे, नहीं दे तो 10 नंबर को साइड में करो, 90 नंबर तो हमारे हाथ में है, उसका टेंशन नहीं। प्रयास करो और वो 10 नंबर जो भाग्य है उसको चुनौती दे दो कि जितने भी संसार की परेशानियां हैं आओ, मैं सामना करने को तैयार हूं, मैं भागूंगा नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा एक फैसला कर लो, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मैं तुम्हें समस्याओं से निजात दिला दूंगा, उन 10% की बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, वो लाइलाज समस्याएं हैं। कोई यदि तुम्हें झूठा कहे कि तुम्हारे हम नहीं, उनके लिए मात्र एक साधन दिया है जैन आचार्यों ने, वे समस्याएं 10% चुटकी बजाते निकल जाएंगी। उन समस्याओं की उम्र ज्यादा नहीं होती, उस बीमारी की उम्र ज्यादा नहीं होती जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, वो तो तुरंत जिंदगी बहुत थोड़ी कर देती है, ज्यादा नहीं रहती। जैसे डॉक्टर मना करे कि ये बीमारी लाइलाज है, अब घबराना नहीं है, बहुत जल्दी निजात मिल जाएगी क्योंकि वो प्राण ले लेगी। क्योंकि लाइलाज बीमारी समाप्त कर देगी, क्यों चिंता कर रहे हैं, 2 महीने 4 महीने 2 दिन 4 दिन टिकेगी, खत्म हो जाएगी, और मरने के बाद फिर बीमारी वो अपना रूप बदल देगी। इसलिए टेंशन नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे लिए निर्णय हो चुका, डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं, तुमने भी पूरा प्रयास कर लिया, कोई समाधान नहीं मिला, गुरुओं से आशीर्वाद ले लिया कुछ नहीं हुआ, शांति धारा करा ली कुछ नहीं हुआ, जब कर लिया तब कर लिया कुछ नहीं हुआ, यहां तक कि मुनि महाराज बन गए तब भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो मुनि भी बन जाओ तो भी वो चूकेगी नहीं, जैसे ऋषभदेव की। ऋषभ देव के पीछे कर्म ऐसा पड़ा कि तुम कहीं जाओगे, बन जाओ मुनि, मैं तुम्हें 7 महीने भूखा घुमाऊंगा। पारसनाथ 10 भव तक मुनि बनते रहे, कर्म कहता बनो मुनि, मैं 10वें भव तक नहीं छोड़ूंगा। अब पारसनाथ क्या करे, अंतिम यही था कि भाई पुण्य कमाने के लिए तप करो, पूजा पाठ करो, अच्छे कार्य करो, यही था। उन्होंने तो सब अच्छे कार्य कर लिए, सब अच्छे कार्य कर लिए, तीर्थंकर बन गए, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, मुनि दीक्षा ले ली, परम तपस्वी हैं, तो भी वो कर्म कहता है मैं तो पीछा नहीं छोड़ूंगा अभी। तो फिर जैन दर्शन ने एक सूत्र निकाला, अब उन्होंने समस्याओं का समाधान नहीं किया, बोले ये कर्म इसको नहीं छोड़ेगा। धर्मेंद्र पद्मावती आए, उन्होंने कमठ को नहीं रोका, ए कमठ तो भगवान पर अवसर करना बंद करो, क्योंकि धर्मानंद पद्मावती जानते थे ये कमठ मेरे से बलशाली है, मेरे से बड़ा है, इस समय मेरी बात ये नहीं मानेगा। जब दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है,
सामने वाला मारने को तैयार है तो तुम उसको समझाते हो या अपने व्यक्ति को वहां से अलग करते हो? बहुत अच्छा उदाहरण है। यदि सामने वाला कमजोर है और वो तुम्हारे व्यक्ति से लड़ रहा है तो तुम क्या करते हो? पर अपने व्यक्ति को नहीं संभालते, पर उसी में जाके दो झापड़ और लगाते, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि वो कमजोर है, तो फिर अपने व्यक्ति को नहीं समझाते, उसको पकड़ते भी नहीं, सीधा जाके उसमें किससे उलझ रहा है रे, दो झापड़ दे के निपटा दे। और सामने वाला यदि बलजोर है तो फिर क्या करोगे? अपने व्यक्ति को पकड़े, चल भाई चल चल, तू हट यहाँ हट यहाँ, अपने व्यक्ति को दूर करोगे। बस यही है जिंदगी का सूत्र, यही है नीति, यही है मोटिवेशन। देख लो कि ये कर्म कमजोर है, उसकी चर्चा अभी बाद में करता हूं। जब तुमने देख लिया कि हमारा कर्म, हमारी जिंदगी में आई समस्या अपरिहार है, कोई इलाज नहीं है, सब कर लिया मैंने लेकिन फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, अब एक ही तरीका है, अपने आप को इतना सहिष्णु बना दो, इतना सहिष्णु बना दो तो कुछ भी कर ले मैं टेंशन में आने वाला नहीं हूं। मैं तुझे मार डालूंगा तो भी नहीं, तो भी मैं टेंशन में नहीं आऊंगा। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया। एक व्यक्ति किसी को गाली दे रहा था, वो गाली देने वाला बहुत बलजोर था, तो उसने कहा, हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे ये गाली दे रहा है, आप समझाओ ना इसको, आप इसको भस्म कर दो, आप मेरे गुरु हैं, आप इसको मिटा दो, आप गुरु हैं। गुरु ने कहा कि जिसको ये मिटाने की कह रहा है मैं नहीं मिटा पाऊंगा, और मिटाने गया तो मैं ही और मिट जाऊंगा। तो गुरु ने शिष्य को समझाया, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले, गुरुदेव ये गाली दे रहा है। बोले, गाली ही दे रहा है, मार तो नहीं रहा है, गाली दे रहा है, तुझे कहाँ चोट लग रही, मार तो नहीं रहा है? हाँ गुरुदेव, मार तो नहीं रहा है, तो देने दो उसको गाली। हाँ महाराज, ठीक है। उन्होंने कहा, ये उसको पता चल गया सामने वाले को कि इनके गुरु ने समझा दिया है, गाली तो दे रहा है, मार तो नहीं रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? तो उसने डंडा उठाया, मारना शुरू कर दिया। बोले, गुरुदेव अब ये मार रहा है, बहुत मार रहा है। बोले, भैया मार ही तो रहा है, प्राण तो नहीं ले रहा है। अब सामने वाला तो खतरनाक था, उसने कहा, इनको ये तो डर ही नहीं रहे। उसने चाकू निकाल लिया। बोले, गुरुदेव अब ये निपटाने वाला है, अब मारने वाला है। गुरुदेव ने क्या गजब बात कही। बोले, मार ही तो रहा है, तेरा धर्म तो नहीं छीन रहा है ना, तेरा रत्नत्रय तो नहीं छीन रहा, तू ध्यान में बैठ जा, अपने रत्नत्रय की रक्षा कर, अपने प्रणामों की रक्षा कर, अपने धर्म की रक्षा कर, मारने दे, वो शरीर ही तो छीनेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मार देने दो। अब सामने वाला कहता है, मैं क्या करूं, ये तो मरने तक पे भी शांत है, ये तो मैं मार डालू तो भी दुखी होने वाला, और मेरा उद्देश्य क्या था,
दुश्मन क्या चाहता है? दुख देना। वो चाहता है ये दुखी हो जाए, और इसके गुरु ने तो ऐसा मंत्र दे दिया कि मैं इसको मार भी डालूंगा तो ये दुखी नहीं होएगा, बल्कि जितना मारूंगा ये सुखी और हो जाएगा। ये तो ध्यान में बैठ गया, ये तो आत्मा में चला गया, ये तो भगवान का ध्यान कर रहा है। ओहो, इसका तो कल्याण हो जाएगा, मैंने इसको मारा नहीं और इसका तो बेड़ा पार हो जाएगा, मैंने इसके प्राण ले लूंगा तो ये तो ध्यान में बैठ गया और ज्यादा नुकसान के स्थान पर इसको फायदा हो गया। यदि मैं नहीं मारता तो ये ध्यान में नहीं बैठता, मैं इसको यदि दुख नहीं देता तो ये आत्मा में नहीं जाता, ये तो ध्यान में चला गया। दुख के स्थान पर ये सुखी हो जाएगा। उसने अपना हथियार फेंका, धत बेशरम कहीं का, चला गया। आंख खोली तो ना दुश्मन था ना कुछ था। बोले गुरुदेव ये क्या हो गया? बोले तुम मरने को तैयार हो गया ना, मरने को जो तैयार होता है उसे कोई नहीं मारता। जो कफन बांध के आ जाता है ना, गुंडे लोगों से आप लोग क्यों डरते हो? अरे भैया ये कफन बांध के आया है, ये कह गया कि मैं जेल जाऊंगा और क्या होगा, मैं जेल के लिए तैयार हूं। अब उनसे कौन डरे, कौन भिड़ेगा उनसे? जो मरने के लिए भी तैयार है, तो मरने को तैयार हो गया, अब मरने वाले को कौन मारेगा? दुश्मन तो उल्टा काम करता है, दुश्मन कभी सहयोग नहीं देता। तू मरने के लिए तैयार हो गया, दुश्मन कहता मैं मार दूंगा तो दुश्मन कहेगा मेरा काम तो उल्टा करना, ये मरना चाहे तो जिंदा रखूंगा और जिंदा रखना चाहे, जिंदा रहना चाहे तो मर। दुश्मन उल्टा करेगा। यदि हमने कहा कि नहीं मैं तो मरना चाहता हूं, दुश्मन कहेगा तुझे जिंदा रखूंगा, क्यों? तो जिंदा रहने में दुखी है ना? हाँ मैं जिंदा रहने में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं। तो दुश्मन कभी मरने नहीं देगा, और उसको पता चल जाए कि तुम्हें जिंदा रखने रहने में सुख है, मरने में दुख है, तो वो निपटा देगा। ये कितनी बड़ी कला दी, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक प्रतिज्ञा अपनी जिंदगी में करो, कितनी भी समस्या आ जाए हम भागेंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं, हथियार नहीं डालेंगे, हम सामना करेंगे। 50% एक कुत्ते जैसी समस्या ढीली पड़ जाएगी। जैसे कुत्ता भौंके भागना मत, खड़े हो जाना, क्या बात है रे? इतने में कुत्ता पीछे आ गए। अपन लोग क्या है, समस्याओं से दिन रात डरते रहते हैं, भयभीत होते हैं। कोई समस्या आ जाए हमारा पल्स बढ़ जाता है, हमारी घबराहट बढ़ जाती है, हमारी नींद हराम हो जाती है, हम टेंशन में आ जाते हैं। जिस दिन समस्या आए उस दिन सबसे ज्यादा हंसो, उस दिन जब से बढ़िया घर्राटे की नींद लो, उस दिन भोजन में खाना तो एक रोटी ज्यादा खाओ। बोले क्या बात है? बोले आज बहुत बड़ी समस्या आई है, आज मान लो तुम्हारे पास कोई डाकू आ जाए तो वो लूटने वाला है, डरना नहीं। बोले भाई आ गए, आओ, पहले हमारे घर में आता है तो मेहमान आता है, आप हमारे घर में आए लेना है तो लूट जाना, पहले आओ चाय पानी कर लें, अपन बैठो थोड़ा नाश्ता पानी करो। हमारे घर में कोई आता है तो हम बिना चाय पानी के नहीं जाने देते। एक आध बार चोरों के साथ एक करना, घबराना नहीं। घर में आए हुए हमारे यहाँ नियम है कि कोई भी आता है घर में उसको चाय पानी कराते, आओ भगत करते, आइए बैठ के जो तुम्हें करना है वो तो करो जी,
कम से कम मुझे अपना कर्तव्य करने दो, बैठिए चाय पानी कीजिए। पानी पीना है क्या? ठंडा लोगे कि गर्म लोगे? पहले करिए जो कुछ। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये मोबाइल आपको कोई फोन वोन नहीं करूंगा। ये हुआ था एक बार राजस्थान की एक घटना है, सेठ गया, 6 बार उनके यहां डांका डाला और 7वीं बार डांका डालने लोग आए तो उन्होंने ऐसे ही सुन लिया होगा हमारे जैसे महाराजों का कवि प्रवचन कि घर में पापी भी आए तो उसका सम्मान करो। अतिथि बस वो आए जैसे ही 7वीं बार तो सेठानी ने पहचान लिया है तो वो ही है। तो उन्होंने कहा भैया आप लोग फिर से आ गए, आओ बैठो, चाय पानी करोगे? नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन चाहिए। नहीं गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं तो वो पहले से तैयार हूं। बस एक बात का जवाब दे दो। उनको पानी पिलाया, बैठ गए, बैठो बैठो सब बैठो, ये चाबी पकड़ो, जल्दी मत करो, मैं कहीं भागने वाली नहीं हूं। बोलो भैया ये बताओ, और सेठ जी कह रहे हैं मेरे सोते सोते प्राण निकल रहे हैं और ये चोरों से ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे इसके पीहर के भैया आए हों। बोले भैया मुझे खुशी थी कि आपने हमें 6 बार लूटा, सोचा कि चलो हमारे धन के लूटने से तुम तो अमीर बन गए, तुम तो अमीर बन गए, तुम्हारे पास हो गए, चलो मैं नहीं सही। आज 6 बार लूटने के बाद भी हम आज भी सेठ के सेठ हैं, तभी तुम 7वीं बार आए हो ना। बोलो 6 बार में तुम क्या छोड़ के गए थे हमारे पास? बोले कुछ भी नहीं छोड़ा था। तो 7वीं बार किस लिए आए हो फिर, जब तुम्हें खुद मालूम है कि मैं इनके पास गया था सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ा था तुमने। जब तुम्हें मालूम है सब कुछ लेके गए थे तुम यहां से, फिर अब क्या लेने आए हो? नहीं फिर से आपकी तिजोरी भर गई है। इसका अर्थ है कि 6 बार लूटने के बाद भी हम सेठ के सेठ हैं, और तुमने 6 बार लूटा है तो भैया आप चोर के चोर ही हो। कैसे आए अब 7वीं बार में? 6 बार के धन से तुम्हारी घर की समस्याएं नहीं हुई? बोले नहीं हुई। तो पहली बार भी आपने यही कहा था, अब भी यही कह रहे हो? आज भी गरीब हो, आज भी कर्जे में हो, आज भी परिवार को पालने को पैसा नहीं है। धिक्कार है, मेरे 6 बार का धन तुम्हें अमीर नहीं बना पाया। भैया बचपन में एक लोरी सुनाते हो ना, तुम लोग सुनाते हैं ना माता बच्चे को, चोरन के भर खेती भई मान डुकरिया, कौड़ी रे के कौड़ी के मान पशेरी के, उड़ गए तीतर बस गई मोर। उसी में बीच में आया है, चोरन के घर खेती भई मान डुकरिया मोटी भई। चोरों के यहां कभी खेती होती है क्या? और बच्चे को कह रहे हैं कौड़ी के रे कौड़ी के, माँ कह रही बच्चे से, क्योंकि वो रो रहा है, मुझे गोदी में उठा लो, मुझे कंधे पर उठा लो। तो माँ कहती है कौड़ी के रे कौड़ी के मान पसेरी के, कौड़ी का तो है नहीं और कह रहा मुझे कंधे पर उठाओ, और कहता है मुझे दूध दो, कुछ फक्कड़ होकर के तो आया है, कुछ लेके तो आया ही नहीं। चोरों ने कहा माँ जी क्या कहा आपने? बोले हाँ भैया, चोरी करने वाला कभी अमीर नहीं होगा, और लूटने वाले को कितने लूटो वो कभी कंगाल नहीं होगा। तुम क्या लूट के ले जा रहे, धन लूट के ले जा रहे हो, मेरी किस्मत नहीं लूट पाओगे। मेरी किस्मत में है तो वो आएगा, और मेरा सच्चा धर्म है तो वो आएगा।
मेरा सच्चा पुरुषार्थ है तो आएगा। वो सेठ जी कहते मेरे प्राण निकल रहे कि ये निपटाए जल्दी करके। चोरों ने कहा आज तक कभी मुझे समझ में नहीं आया। और उसने सेठानी के पैर पड़े और चारों चोर ऊपर से कूद के आए थे, माँ के पैर पड़ के गए, हम भीख मांगकर जिंदगी जी लेंगे लेकिन आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। और चिल्लाती करती तो क्या होना था। यदि चिल्लाती करती तो मार डालते उनको, तो क्या वे तो चोर है, बांध देते, ठुकाई पिटाई करते, कुछ भी कर सकते थे, उनको तो क्या लगे। मैंने इस कथा को सुना, बड़ा अच्छा लगा और आप लोगों को सुना दी। जब भी आपके जीवन में ऐसी मुसीबत आए तो चिल्लाना नहीं, घबराना नहीं, उस मुसीबत से कह दे तो कितना भी कर लेना, मैं अशांत होने वाला नहीं हूं, मेरी शांति इतनी सस्ती नहीं है, मेरा धर्म इतना सस्ता नहीं है, मेरी क्षमा इतनी सस्ती नहीं है, मेरी सहिष्णुता इतनी सस्ती नहीं है कि मेरे दो गालियों में खो करके मैं क्रोधी हो जाऊं। कितनी सस्ती है अब लोगों की क्षमा। शाम को रात में शांति से उठते हो आप सुबह, और कोई दो गाली दे दे तो शांति। शांति महंगी है कि गाली महंगी है। तो शांति इतनी सस्ती हो गई, इतनी सस्ती हो गई, थोड़ी सी बात होते ही हम अपना सुख खो देते, चैन खो देते। थोड़ी सी परिस्थितियां आती हैं हम टेंशन में चले जाते हैं, अरे भाई ये दिमाग ये मन बहुत कीमती है, एक एक मिनट का कीमती है, ये इतनी अच्छी अच्छी बातें सोचता है, इतनी अच्छी अच्छी बातें सोचता है। एक मिनट भी यदि अपन ने टेंशन सोचा, एक मिनट में तो हम जगत का उद्धार कर सकते थे, एक मिनट में तो हम जीवन को बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जा सकते। समझो अपने मन की कीमत कितनी है। लोग तरसते हैं इस मन को, असंख्यात जीव, अनंत अनंत जीव हैं जिनके पास मन नहीं है, तरसते। अपने पास मन है, बहुत भाग्यवान है अपन, इसका दुरुपयोग नहीं करना, इसमें बुरी बातें नहीं सोचना, इसमें टेंशन नहीं करना, इस मन से सुख कमाओ। कितने जीव हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, अंधे हैं, दो इंद्री तीन इंद्री सब आंखें नहीं हैं। अपन भगवान हैं, अपनी आंखें हैं, इनसे बुरा मत देखो, बुराइयां मत देखो। पुण्य के उदय से, भाग्य के उदय से मिली है आंखें, इनसे वह देखो जिससे हमारा उद्धार होवे, आनंद। उन चीजों को मत देखो जिनको देखने पर हमें दुख हो, जिनको देखने पर हमें शर्मिंदा होना पड़े, जिनको देखने से हमारी भलाई ना हो, जिनको देखने पर हमारी इज्जत धूल में मिल जाए, मत देखो। कुछ ऐसा देखो आंखों से, देखते ही आत्मा आनंद से भर जाए, और उनको देखते समय कोई देख ले बे तो हमारी इज्जत चौगुनी बढ़ जाए। आंखों से इज्जत कमाओ, बेइज्जती नहीं। इन्हीं आंखों से यदि हम गलत चीज देख रहे हैं, कोई हमें देख लेगा तो बोलो इज्जत बढ़ेगी घटेगी। अरे ये व्यक्ति, मैं तो इसको क्या समझता था, ये तो क्या देख रहा है। तो जो पुण्य के उदय से हमें आंख मिली थी, इस आंख से हमने अपनी आत्महत्या कर ली। उपघात नाम कर्म का उदय आया, जो आंख हमें सुख के लिए मिली थी, इज्जत कमाने के लिए मिली थी, इसी आंख से हमने इज्जत गमा दी।
दुख कमा लिया, नहीं, आंख से हम वो चीज देखेंगे जिसको देखते ही हमें आनंद आवे, जिसको देखते समय को हमें कोई शर्म की बात नहीं आएगी, और कोई देख लेगा तो हमारी इज्जत और बढ़ेगी। बोलो, सुबह उठ करके तुम भगवान का दर्शन कर रहे हो और कोई देख लेगा तो इज्जत बढ़ेगी घटेगी? और इन्हीं आंखों से यदि कोई ब्लू पिक्चर देख रहे हो, कोई देख लेवे तो ये आंखों को पुण्य से मिली। यही कानों से हम अच्छी बात सुनेंगे, इज्जत बढ़ेगी। हर इंद्री से, हर उपलब्धि से इज्जत बढ़ाओ, सुख बढ़ाओ, शांति बढ़ाओ, जीवन का आनंद बढ़ना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हें मिला है, तुम्हें परिवार मिला है अच्छा, तुम्हें जैन कुल मिला है अच्छा, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, पहले तो जिन जिन चीजों पर तुम्हें अच्छे की अनुभूति हो, आनंद की, यह चीज मिली है मुझे, इस पर मुझे गर्व है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें पाकर के अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। भारत देश में जन्म लेकर तुम्हें कैसा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? कहां का भारत में जन्म हो गया, अमेरिका में जन्म होता तो अच्छा था। गर्व है कि नहीं? बस अब मेरा कहना है, भारत में जन्म लेने से यदि तुम्हें गर्व महसूस हो तो एक ही नियम ले लेना, ये भारत देश से हम इज्जत कमाएंगे, बेइज्जती नहीं। भारत देश में हम सम्मानित होंगे, अपमानित नहीं। भारत देश में मुझे पुरस्कार मिलेगा, गले में लॉकेट मिलेगा, हाथों में हथकड़ी नहीं, क्योंकि भारत देश मुझे जन्म मिलने पर गर्व है। आपको जैन जान कुल में जन्म लेने से अच्छा महसूस हो रहा है कि देखो, जैन कुल में जन्म नहीं लेते तो कितना फायदा था, कोई दंड नहीं, कोई फंद नहीं, रात में खाओ, दिन में खाओ, भक्ष खाओ, अभक्ष खाओ, मांस खाओ, शाकाहार करो, शराब पियो, जो करना करो, कुछ कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाप भी खा रहा है, कुल भी खा रही है, तुम्हारी पूरी जाति खा रही है, क्या झगड़ा है? अब क्या झगड़ा है? सारी जाति मांसाहारी है, बाप मांसाहारी है, तुम्हारे लिए मांसाहार खाने में इज्जत बढ़ेगी घटेगी? कुछ नहीं होना। खास ऐसा भाव आ रहा हो, कहां का मैं जैन कुल में जन्म ले रहा, कुछ भी नहीं करने देते, कुछ भी नहीं, ऊपर से महाराज महाराज और आ जाते हैं, ये और प्राण लेते हैं, सब गड़बड़ है। हे भगवान, अंगला भव ऐसे कुल में देना जहां सब कुछ कर सके और कोई उंगली नहीं उठा सके, कोई भी बुराई, बाप भी बुराई नहीं करे, परिवार भी बुराई नहीं करे, जाति भी बुराई नहीं करे, गुरु भी बुराई नहीं करे, हम मांस खाएंगे तो खाएंगे, कोई बुराई नहीं करने वाला, शराब पीना है तो पिएंगे, सब कर सकते। जहां सब कुछ करने की छूट हो, ऐसे कुल में तुम्हें जन्म लेना हो, ऐसे देश में जन्म लेना हो जहां किसी भी चीज पे पाबंदी नहीं है, सब करो, जो चाहे सो करो, जहां चाहे करो, जो चाहे करो, जैसे बने वैसे करो, कुछ नहीं सोचना, पशुओं के जैसे, पशु कुछ भी खाता है, कुछ भी करता है, जहां भी, कुछ भी मर्यादा नहीं। यदि तुम्हें जैन जाति का बंधन बुरा लग रहा है, हर चीज में बुरा, बहुत तंग आ गए होगे आप लोग, आ जाते हो, कुछ करने ही नहीं देते, कोई खाने ही नहीं देते,
खाने बैठो, है क्या खा रहा है, ये नहीं खा सकते, कोई आफत है क्या, खाओ वही लौकी और सब्जी। वो देखो जहां खाने वाली ऐसी जातियां हैं जहां कुछ भी परोसे सब खा जाते हैं, जैनी बन के नहीं खा पाओगे। यदि तुम्हें गर्व हो रहा हो कितने पापों से बच गए, यदि आप किसी नीच कुल में होते ना तो अभी मैं तुमसे कह रहा होता कौए का मांस त्याग कर दो, एक मछली का त्याग कर दो, चौदस के दिन हिंसा नहीं करना, ये कह रहा होता। जैन कुल में आ गए हो तुम, तुम्हें तुमसे पूछे ही नहीं आहार ले लिया, पूछे ही नहीं अभिषेक करा दिया, तुम लोगों का मांस का त्याग है कि नहीं रे, पहले बताओ कब किया था, कब किया था, कब किया था, कौन से गुरु से किया था, नाम बताओ, मांस का त्याग कब किया था दादाजी, आपने मांस त्याग कब किया था, मांस का त्याग कब किया था आपने, अरे प्रतिमा रही थी, मांस का त्याग कहां किया था तुमने, तुमने दो प्रतिमा ली थी, तुम्हें सामायिक करने का नियम दिया था, परिग्रह प्रमाण का नियम दिया था, सब दिया, सब प्रतिमा देते समय क्या क्या त्याग कराया जाता मुझे मालूम है, प्रतिमा के कोर्स में मांस लिखा ही नहीं, उसमें तो लिखा कि व्रत करो, सामायिक कराओ, ये कराओ, ये सब, ये नहीं लिखा कि मांस मत, मांस पहले बोलो, मांस त्याग किया ही नहीं, वो प्रतिमा ले ली, अरे मांस त्याग ही नहीं किया, प्रतिमा ले ली, अरे तुम्हारी बात तो छोड़ो, मैंने मांस का त्याग किया ही नहीं और मुनि बन गया। गुरुजी ने पूछे ही नहीं, कहे तू दीक्षा लेना चाहता, पहले सोच, पहले मांस का त्याग कर, करा ही नहीं, मैंने तो नहीं कराया, कराया ही नहीं, कहे ही नहीं, ना उन्होंने कराया और ना हमने किया। आह, तुम लोगों का कहां कराया, किसने कराया, गजब। बस यही, ऐसा कुल मिला, ऐसा कुल मिला जिस कुल में मांस त्याग करना नहीं पड़ा, पूर्व भव के कर्म से ही करते आए हैं, वो तो त्याग ही है। मांस का नाम महाराज आपने ले लिया तो ले लिया, हमने तो आज तक कभी नाम ही नहीं लिया, सोचा नहीं, विचार नहीं किया। बोलो, जो वक्त तुम्हारे गुरु के द्वारा खर्च होता वो काम तुम्हारे कर्म ने कर दिया, जा गुरु का समय बेकार मत करना। मैं तुझे ऐसे कुल में भेजता हूं जहां मांसाहार का कोई नाम भी नहीं लेगा, गुरु का वक्त खराब मत करना। गुरु महाराज आए तो वे मांस का त्याग कराते हुए न फिरें, बेतो बेतो प्रतिमाएं देते समय मेरा आपका समय वक्त हो गए, त्याग कराएं, बहुत ऊंची प्राप्त कराएं। बड़ी शर्म आती है जब आपके घरों में जाता हूं और पूछना पड़ता है, आजकल की बात होगी, हो गया ऐसा, और हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा नहीं है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मांस शराब अभक्ष वस्तुओं का मुनिराज को आहार के समय याद भी नहीं आना चाहिए। ऐसे कुल में तुम जा रहे हो वहां इन सब चीजों को करने की जरूरत ही नहीं, आज धोखा हो जाएगा। यदि मैंने नहीं पूछा तो 100 में से एकाध पीने वाला भी आहार दे जाएगा, बड़े बड़े शहरों में तो खास तौर से। नहीं पूछा तो गुटखा खाने वाला आहार दे जाएगा, हमें तो ये तक नहीं कहा गया
शास्त्रों में मैंने देखा आहार लेते समय किसी भी चीज का त्याग कराने का उल्लेख नहीं है, कुछ भी त्याग नहीं कराना है ही नहीं। मैंने पूछ देखा कि भाई आहार करते समय क्या क्या त्याग कराऊं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि त्याग कराओ। बस इतना लिखा है शुकुल, उच्च कुल जैन कुल में ही आहार करने जाना, उच्च कुलीन होगा। तो मैंने कि उच्च कुलीन तो है, बोले उच्च कुल है तो आपको वो चीजें वो करते पाया ही नहीं जाएगा जिनके हाथ से तुम आहार लेते हो, नहीं लेते हो, होते ही नहीं। उच्च कुल उसी का नाम है जिस कुल में ये पाप नहीं होते हैं, जो पाप होने से मुनिराज आहार नहीं लेते हैं वो उच्च कुल होते ही नहीं। उच्च कुल वही होता है जिस घर में मुनिराज बिना त्याग कराए आहार ले लेते हैं, यानी वो पाप होते ही नहीं है। और आज यदि मैं यही नियम लेके चला जाऊं क्या पे आप करना, ये तो जैनी कुल है, जैनी है, बल्दियत से जैनी है, अब यहां क्या त्याग कराऊं। विश्वास पे चला गया कि अरे भाई जैनी है यहां क्या त्याग कराऊं, आहार देने की योग्यता तो इसे जन्म से ही मिली है, क्योंकि क्योंकि जैनी। तो बोलो क्या होगा, क्या होगा। हमारे यहां तो यहां तक कहा, इतना तो पूछने की छोड़ो, तुम्हें आहार की थाली भी नहीं देखना है, उसने जो बनाया है वो लेके आ जाओ, जो बनाया है वो लेके आ जाओ, जो खाता है मुझे मालूम कौन सा आहार करने को कहा है। पहला देखो शुकुल जैन कुल है, बस इससे ज्यादा कुछ मत देखना, कुछ मत देखना। फिर क्या लू, बोले जो जैनी खाता है वही तुम्हें खिलाना, बस हमारी कोई परिभाषा नहीं दी। बोले क्या आहार लेना है, बोलो जो जैनी खाता है वह आहार लेना, नहीं लेना हो तो मत लेना, लेकिन जो वो खाता है वो सब ले सकते हो। जो जैनी खाता है, फिर से सुनना हमारा आहार विधि देखना क्या है, जो जैनी खाता है वह तुम्हें आहार लेना है बस। और जैनी है इतना देखना है तुम्हें, तुम्हें कोई त्याग नहीं कराना। इन दो बातों को लेकर के यदि आज मैं आहार करूं तो बताओ मेरा क्या हाल होगा, बोलो मैं क्या खा के आ जाऊंगा, बोलो मेरी दशा क्या होगी। इस पंचम काल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, मुनिराज मात विधि लेकर निकलते थे। जैन दर्शन में एक उदाहरण आया, संकट के समय वनवास के समय श्री राम जंगल में, दो एगल महाराजों ने नियम ले लिया मैं वहां आहार करूंगा, घर में नहीं राजमहल में नहीं वन में आहार करूंगा। वन में भी राजकुमार के हाथों से आहार लूंगा और राजकुमारों के साथ में उन बर्तनों में बनाया हो जो उन्हीं राजकुमार ने खुद बनाए हो, और स्वयं रानी आहार बनावे, बर्तन भी वही हो जो उन्होंने बनाए हो, और वनवास में हो राजकुमार हो। बोलो ये कठिन विधि देखो, पहली बात तो राजकुमार और वो भी कहाँ हो, और बर्तन भी कौन से हो मिट्टी के, और मिट्टी के भी कौन से हो जो स्वयं ने बनाया, और भोजन भी कौन बना रहे, तब आहार लेंगे। कैसे ऐसे महाराजों का मन करता है भगवान, काश ऐसी शक्ति मेरे में आ जाए तो बरुआ सागर वालों को नचा डालूंगा, ध्यान रखना पड़गाते रहो,
नवोत्तम महाराज। वो महाराज बरुआ सागर से ऊपर से सीधे वन में निकल जाएगा, क्योंकि विधि कहाँ की है, राजा देखते रह जाएंगे, महाराजा देखते रह जाएंगे। और महाराज अंजलि लेकर के ऐसी कड़ी विधि ली जाती है, लेते समय महाराज को थोड़ा भी डर नहीं लगा कि ये विधि मिलेगी कैसे, ये कैसे संभव है, लेकिन हिम्मत है और जाके वनवास में दंडक वन में जाते निकलते हैं। और जैसे नीचे देखते हैं राम लक्ष्मण को, ओहो, और देखते हैं वहां मिट्टी के बर्तन भी बने रखे हैं कच्चे, रानी है, और कौन सा भोजन, विदेही ने अपने लिए भोजन बनाया था, अपने पति देवर को भोजन बनाया था, और भोजन की थाली परोस दी श्री राम के लिए, और थाली में भोजन परोसा गया है। रामचंद्र जी जैसे ही नमोकार मंत्र पढ़ने लगे, इतने में ही लक्ष्मण भैया बोलते हैं, भैया भैया आकाश मार्ग से दो मुनिराज आ रहे हैं, इसी तरफ आ रहे हैं और उतरते हुए आ रहे हैं, सीधे जाते तो इधर कोई उतर रहे हैं। और इस समय मुनिराज किसी श्रावक की तरफ आ रहे हैं, तो लक्ष्मण कहते हैं, रामचंद्र जी कहते, लक्ष्मण ये तो आहार की बेला है, नियम से आहार के लिए आ रहे हैं। रामचंद्र जी सीता दोनों खड़े हो गए, मुनिराज आके खड़े हो गए और पहले से बताओ महाराज तो चौका लगाऊं, महाराज आ जाए, महाराज का पता चल जाए। महाराज रुको, चौका लगेगा, वैसे थोड़ी है कि तुम्हारे लिए मिल जाएगा। महाराज को रोकोगे, महाराज का पता करोगे, हम लोग परेशान करते हो, महाराज बता दो कब विहार करोगे, हमें पता नहीं महाराज, देखो सुबह से चौका लगाना पड़ेंगे, बताओ चौका कहाँ लगाए, कैसे लगाए, इस कलयुग में जीना बहुत मुश्किल है। महाराज नहीं बताया तो ध्यान रखना, फिर उपवास कर लेना सीधे। कैसे थे अपने लिए भोजन, और लक्ष्मण रामचंद्र जी ने जो अपने लिए थाली लगाई थी, महाराज को वही थाली में से भोजन दे दिया। लो लो, वो भोजन महाराज को बना था कि स्वयं को, तो भोजन इतना पवित्र था उनका कि वो महाराज को देने के लिए उन्हें अलग से नहीं बनाना पड़ा, और वही भोजन था, इतना पवित्र भोजन था, इतना प्रासुक जल था, यानी वो भी प्रासुक जल लेते थे, कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा पड़गान स्वयं का भोजन। सही आहार चर्या तो वही है, श्रावक अपने लिए जो बनावे, साधु के लिए एक भी आइटम ज्यादा मत बनाओ, अपने लिए बनाओ, और महाराज आ जाए तो उसी में से, तो निर्णय कर रहा हूं आगम से, जो श्रावक खावे वही महाराज को लेना है, ऐसा जुड़वानी ने कहा है। और जैनी के यहां लेना है, उससे कोई भी त्याग नहीं कराना है। ये दोनों बातें हम शास्त्रों की मान करके और आपके चौके में चले जाएं, जो आप खाते हो वही ले लें, तो सोचो भैया मेरा क्या होगा, बरुआ सागर में कितने लोग होंगे, दादाजी छोड़ दो, जिनके घर में जाऊं महाराज आपके लिए चौका नहीं लगा है। हमारे यहाँ इतना शुद्ध भोजन करते हैं कि उसी में आप भी आ जाओ तो समा जाओगे। त्याग नहीं कराया, रात्रि भोजन त्याग कराना जैनी को शर्म की बात, गुटखा त्याग कराना जैनी को शर्म की बात है, मांसाहार त्याग कराना जैनी को शर्म की बात है, शराब त्याग कराना जैनी को शर्म की बात है, अभक्ष त्याग कराना जैनी को शर्म की बात है। जैन कुल तो वो है कि जो जन्म से ही ये सब चीजें त्यागी हुई मिलती हैं,
जिनको त्याग करना ही नहीं पड़ता और आज कराना पड़ रहा है। कलयुग का सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा दोष महाराज को पूछना पड़ रहा है, क्यों गुटखा तो नहीं खाता, हो गए बर्बाद तुम, रात में भोजन तो नहीं करते हो, आलू प्याज तो नहीं खाते हो, अवक्ष सेवन तो नहीं करते हो, बिना चना पानी तो नहीं पीते हो, ये सब बातें किससे पूछना पड़ रही हैं? श्रावक से। बस यही शर्म की बात, तुम्हारी दशा ही हो गई। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कल के दिन तुम महाराज से पूछ लगो, महाराज आप दो टाइम तो नहीं खाते, आप आलू प्याज तो नहीं खाते, आप गुटखा तो नहीं, कैसा लगेगा बोलो तो सही, बोलो तो सही। आज तक तुमने मुनिराज से पूछा कि महाराज आप एक टाइम आहार लेते हो कि दो टाइम, आपने महाराज से पूछा कि आप आलू प्याज लेते हो या नहीं, बोलते नहीं हो, अरे बरुआ साग अरे कुछ भी हो जाए, पहले महाराज बताओ आप आलू प्याज तो नहीं लेते, आप अवक्ष तो नहीं खाते, आप दो टाइम तो नहीं खाते, आप ये कार्य तो नहीं करते। बोलो पूछा, क्यों नहीं पूछा? क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि हमारा दिगंबर मुनिराज है तो पूछने की जरूरत नहीं है, ये त्याग तो दीक्षा के समय से ही है और पुण्य कमाया ही जाता है बंधु विपदा के लिए। अपन विधान करते हैं पुण्य के लिए, अपन विधान करते हैं धर्म के लिए, अपन विधान करते हैं भगवान की पूजा के लिए, ये तो होते ही रहते हैं, कई विधान यहां भी हुए होंगे, लेकिन कल का जो विधान है वो संजीवनी बूटी है, वो संजीवनी बूटी का काम करेगा। और कल जो अपन वहां संजीवनी बूटी देंगे तो हमारी जिंदगी में भी जब हम मर रहे होंगे उस समय कोई आकर के संजीवनी बूटी दे देगा और हम जिंदा हो जाएंगे। इसलिए बरुआ सागर वालों, ये चार दिन मत चूकना, जिंदगी में तो कमाते रहो, कमाते रहोगे। काश यदि बीमार पड़ जाओ तो दुकान पर बैठ पाते, और कोरोना में लोग मरे हैं कि नहीं मरे, तुम लोग क्यों नहीं मरे? मैं हर जगह यही पूछता हूं कि तुम लोग कैसे जिंदा रह गए ये बताओ। तो तुम्हें एक ही जवाब देना है कल, महाराज हम लोग इसलिए नहीं मरे कि हमें मरे हुए गुरुकुल को जिंदा करना था। मेरे हाथ में रकील थी कि तू एक दिन वहां पूजा करेगा, जो पूजा के योग्य ही नहीं रहा है उसको तू पूज्य बनाएगा, जो स्वयं उठने लायक नहीं रहा है उसे उठाएगा, जो स्वयं श्वास लेने लायक नहीं रहा उसे तू ऑक्सीजन देगा। ये भाग अवभाग्य मान करके अपने आप को कार्य करना है, अवभाग्य मान करके कार्य करना है कि मेरी जिंदगी में मैं जिंदा हूं और आज मेरे अर्घ से, मेरी पूजा से एक ऐसा स्थान जीवित होगा जिसको कई पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने जिसे जीवित किया था। कल जैन साहब कह रहे थे ना कि अपने दादी का नाम पढ़ के शहर गया, शहर गया। जिस चीज को दादी ने बनाया वही चीज हमारे सामने मिट रही है, उनका वंशज होना मुझे धिक्कार है। कल मुझे पता चला पार्टियां लगाने का कितना फायदा है कि पोते को कम से कम कुछ तो आए, पोते के मन में कुछ तो रहे कि वसीयत तो सारी ले ली लेकिन मैंने जो किया वो तो तूने नहीं किया। अब आज मैं कल जाऊंगा तो मैं सारे पार्टियां पढ़ूंगा,
और पढ़ पढ़ के ये कहूंगा कि इनमें से कौन का वंशज जीवित है, कौन के वंशज जीवित है, फिर उनको दिखाऊंगा वो पार्टियां, देख ले रहे मुखड़ा दर्पण में, तेरे दादा का पार्टियां लगा है और तेरे सामने रहते हुए भी दादा की इमारत समाप्त हो रही है। सब लोग अपने अपने पूर्वजों की पार्टियां पढ़ो और वहां पानी चुल्लू भर पानी में ढूंढ लो, बाजू में बहुत बड़ा तालाब है, बेटे के पोते के रहते ही उनके पूर्वजों की संपत्ति डूब जाए, इससे बड़ा और क्या शर्मिंदा होगा। जब तुम्हारे पूर्वजों ने जिस इमारत को खड़ा किया था उस इमारत की सुरक्षा करना, उसको वृद्धिंगत करना किसका काम है? चलो उन्हीं को ऊपर से बुला लूं, तुम्हारी दादियों को तुम्हारे दादाओं को मैं बुला सकता हूं। बरुआ सागर वालों को चलो पहुंचने के पहले एक बात पूछूं, जिन जिन के तुम्हारे पूर्वजों ने वहां दान दिया है वे सब ऊपर है, उनका एड्रेस हमारे पास है, मैं बुला लूं उनसे, कहे आ जाओ तुम्हारा कार्य तुम खुद करो, आप हाँ कर बुला लूंगा। लेकिन मरने के बाद कोई आता है वो भूत बन के आएगा, पर बरुआ सागर के घरों में भूत घुस जाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी, बुला तो मैं लूंगा। और सबसे पहले तो वो भूत उसी घर में घुसेगा जो उसका पहले से, वो अपना खून देखेगा और उसको यदि ये भूतों को बुलाना हो तो कल वो भी हो जाए, कुछ नहीं करना, मैं तो बुला लूंगा, मैं तो सब करता हूं, बस सावधानी है, पर भूतों के द्वारा तुम्हारा भूतेड़ो हो जाए ये अच्छा है। मरे हुए को क्यों बुलाएं, उनसे गर्व कहो आप तो ब्राजो सिंहासन पर, आपका पोता काफी है अभी इस भगवान लेने के लिए, यही सबसे बड़ा पितरों का ऋण चुकाना होता है। समय आपका हो गया, महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्या जत्थे श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर राजस्थान, श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में, श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधु प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन।